से लौटे 6 और उत्तराखंड के छात्र, गोलीबारी में एक छात्र की मौत से सहमे हैं परिजन, मदद की गुहार लगाई। मई को खुलेगा केदारनाथ धाम के कपाट, ओमकारेश्वर मंदिर में निकला मुहूर्त, 3 मई से शुरू होगी चार धाम यात्रा। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बयान से पलटे, कहा सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा, बयान रणनीति के तहत दिया था। उत्तराखंड में बढ़ेंगे बिजली के दाम, महंगाई दरों पर सुनवाई आज, विद्युत नियामक आयोग तैयार। आईआईटी रुड़की छात्रों के लिए अच्छी खबर, अब आईआईटी रुड़की में पीएचडी में बिना गेट के मिलेगा दाखिला। उत्तराखंड में मैदानों में मौसम शुष्क, पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार। केदारनाथ धाम और हेमकुट साहिब में तीर्थयात्री जल्द उठा सकेंगे रोपवे का आनंद। मोटेश्वर शिव मंदिर में धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि के पर्व। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिव मंदिर में महादेव का जल अभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड के विकास नगर में एक बड़ा हादसा, स्कूल बस में पेड़ से टकराने के कारण एक बच्ची की मौके पर हुई मौत, स्कूल प्रबंधन पर मृतक छात्र के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। बाघ प्रजाति मालदेव में आबादी वाले क्षेत्र में लगातार हो रही है मैनेटिंग, बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल।